अदब का न्यूज 19 में मैं बोल के सेक्शन आप लोग के साथ आई नजर डालते हैं बूंदी जिले की ओर। जी हां, बूंदी जिले के डाबी बरन क्षेत्र में बाहर से यानी भीलवाड़ा और कोटा से आने वाले लोगों के खिलाफ में सख्ती बरती जाएगी और उन्हें आसानी से नहीं आने दिया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान डाबी थाना क्षेत्र में भीलवाड़ा और कोटा से आने वाले बाहरी लोगों पर प्रतिबंध रहेगा। अगर प्रवेश करता हुआ पाया गया तो लॉकडाउन की धारा के उल्लंघन के मामले में मामला दर्ज कर कार्रवाई। डाबी पुलिस थाना प्रभारी संपत सिंह राणावत ने बताया कि अगर किसी को चोरी छिपे जंगल के रास्ते से बरन क्षेत्र में प्रवेश करना पाया गया तो उसके खिलाफ लॉकडाउन में उल्लंघन करने के तहत मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी। बरन लगने वाले सभी आम रास्तों पर अस्थाई पुलिस चौकियां बनाई गई हैं, जहां से बाहरी लोगों को वापस लौटाया जा रहा है। संबंधित जिला कलेक्टर महोदय के पास या चिकित्सा विभाग ने के कोरोना वायरस से संबंधित जांच के दस्तावेज के बिना बाहरी लोगों का बरन क्षेत्र प्रवेश निषेध है। थाना प्रभारी राणावत ने बरन वासियों से आग्रह किया है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति की यहाँ आने की सूचना मिलने पर तुरंत डाबी थाना को सूचित किया जाए। वहीं आपको बता दें कि देहीखेड़ा क्षेत्र में कई दिनों से कालाबाजारी देखने को मिल रही है। देहीखेड़ा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में जमकर हो रही गुटखा तंबाकू की कालाबाजारी को लेकर ग्रामीणों से 3 रुपए का जर्दा पाउच को 50 से लेकर 70 तक बेचा जा रहा है। वहीं चोरी छिपके गुटखे को कहीं 5 गुना अधिक दर से दिया जा रहा है। खाद्य सामग्री की भी राज्य सरकार की दर से अधिक राशि वसूलने को लेकर देहीखेड़ा थाना प्रभारी रमेश चंद मीना को ग्रामीणों ने अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की। साथ ही पूर्व में पंचायत के द्वारा जो समय निर्धारित किया हुआ है उसी के अनुसार बाजार खुलवाने की मांग की है। बंद करने सुबह है लॉकडाउन एवं धारा 144 की अवहेलना। बूंदी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत कुछ छूट क्या दी कि सभी दुकानदार अपने प्रतिष्ठान खोलकर बैठ रहे हैं और भीड़ लगाए हुए बैठे रहते हैं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते ना ही मास्क का उपयोग कर रहे हैं। इसकी शिकायत करते युवा नेता छगन सिंह सोलंकी, अशोक मीना, दिनेश व्यास, रामेश्वर मीना, लखन मीना, तेजराज सिंह, दिनेश मीना आदि थे। वहीं दूसरी ओर देहीखेड़ा सरपंच राजकुमार मीना ने सभी से अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन में प्रशासन का सहयोग करें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। वह कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। थानाधिकारी रमेश चंद मीणा ने कहा कि कुछ ग्रामीण दुकानदार द्वारा की जा रही कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए आए थे, जिनका नाम दर्ज किया है। लॉकडाउन धारा 144 में बेवजह घूमने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों को पंचायत ने जो निर्धारित समय खोलने का दिया हुआ है उसी अनुसार दुकानें खोलें। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।